बाबा अमरनाथ यात्रा ने लईने सूरत शहेरनी नवी सिविल हॉस्पिटल में हेल्थ सर्टिफिकेट इश्यू करवानी कामगीरी शुरू करवामां आवी छे। बाबा अमरनाथ नी यात्रा ने लईने लोकोमां उत्साहनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे, त्यारे आ वर्षे चूंटणीना कारणे बाबा अमरनाथ नी यात्रा 60 दिवसना बदले 45 दिवसनी रहेशे। 29 जून थी आ यात्रानो प्रारंभ थई रह्यो छे अने 19 ऑगस्ट सुधी आ यात्रा चालवानी छे। बाबा अमरनाथ नी यात्राए जे पण श्रद्धाळुओने जवुं होय तेमने पहेला मेडिकल सर्टिफिकेट रजू करवुं पड़शे। તે હેતુથી સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હેલ્થ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। પ્રતિદિન સવારે 9 વાગ્યાથી લઈને 12 વાગ્યા સુધી આ કામગીરી ચાલશે। તારીખ 29 જૂનથી 19 ઓગસ્ટ સુધી યાત્રા ચાલુ થવાની છે, જેના માટે જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર દ્વારા એક ગાઈડલાઈન હતી કે દરેકને પોતાનું શારીરિક ફિટનેસની કમ્પલસરી કરાવવાનું હોય છે, જેના માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ અને સ્વિમેર હોસ્પિટલની નિમણૂક કરી છે। સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર આજે સવારે 4 વાગ્યાથી લોકો લાઇનમાં ઊભેલા છે પોતાના ફિટનેસ માટે। ખૂબ જ ઉત્સાહ છે, ખૂબ જ ઉમંગ છે અને આજે સુરતથી જે જુદા જુદા વિસ્તારોમાંથી લોકો અહીંયા આવેલા છે અને પોતાના ફિટનેસ જેમાં જેવા કે 13 વર્ષથી લઈને 75 વર્ષ સુધીના લોકોનું ફિટનેસ થતું હોય છે। યાત્રાની અંદર જુદા જુદા ટેસ્ટ થતા હોય છે। 45 વર્ષથી ઉંમરના લોકોની ઇસીજી કરવાની હોય છે, બાકીના લોકોની અંદર બ્લડ ગ્રુપ, યુરિન અને બાકીના જુદા જુદા ટેસ્ટ દ્વારા ફિટનેસના સર્ટિફિકેટ આપવાના હોય છે। નમસ્કાર, મેરું નામ ડૉક્ટર ગણેશ ગોવેકર, મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત। हमारी यहाँ हर वर्ष की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अभी अमरनाथ यात्रा जो चालू होने वाली है, इसलिए यह फिटनेस दिया जाता है। अमरनाथ जो जगह है वो बहुत हाई अल्टीट्यूड में, जहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, और वहाँ पे जाने के लिए ये ज़रूरी है कि वह कोई भी यात्री वहाँ जाने लायक है कि नहीं, वो फिटनेस देखना जरूरी है। उसके लिए हमारे यहाँ ओल्ड ट्रॉमा सेंटर में ये सुविधा चालू करी गई है। ओल्ड ट्रॉमा सेंटर में ये सुविधा हमारे यहाँ 9 से 1 बजे तक की जाती है, और ये सुविधा हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर केतन नायक, डॉक्टर लक्ष्मण टहलियानी और डॉक्टर भरत पटेल, इस टीम के द्वारा की गई है। यहाँ पे एक छत्र के नीचे हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे कि उनका फिटनेस सर्टिफिकेट को लेके सारी इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी और जो लैब इन्वेस्टिगेशन, सब यहीं से इकट्ठा होगा और सर्टिफिकेट भी यहीं से इश्यू हो जाएगा, जिसको 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें क्या ब्लड और यूरिन जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है वो रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इन जनरल हम ये सुविधा 400 से 500 लोगों को हर दिन देने वाले हैं, और ये सुविधा सोमवार से शुक्रवार हर दिन देंगे, और ये सुविधा 13 से 75 साल के बीच के जितने यात्री हो उनको दिया जाएगा। यदि जो यात्री 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनका हार्ट चेकअप भी किया जाएगा और साथ में ईसीजी भी किया जाएगा। उसके द्वारा वो ये डिसाइड किया जाएगा कि वो वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए फिट है कि नहीं है।